और ये देखें कितना साफ पानी है, ये पत्थर तक नजर आ रहे हैं। दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते। और अब मैं फोड़ूंगा पकाना। इस घोड़े का नाम है राजू। ये देखें बच्चे यहाँ पर झूले ले रहे हैं और पायरेट बोट। हम बड़े होके सियाने हो जाते हैं, सियाणी बातें करने लगते हैं, नफरत करना सीख जाते हैं। नीचे आप देखें पत्थर तक नजर आ रहे हैं, सर्दी लग रही है दोस्तों। शहंशाह बाबर इस जगह पर बैठा करता था। मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारिफ, मेरे अजीज़ो मैं उफ्तखारिफी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और आज कसद किया है एक ऐसी सैरगाह पर जाने का जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ झील है, जहाँ झूले हैं, जहाँ तख्ते बाबरी है, जहाँ मोर नाचते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं जा रहा हूँ कलर कहार, और वहाँ चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर एक कितना खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। मौसम भी अच्छा हो चुका है और बच्चों के साथ वहाँ जाकर पिकनिक करने का स्वाद आ जाएगा बादशाह। आओ चलने हैं कलर कहार। कलर कहार एग्ज़िट होने के लिए हमें रेस्ट एरिया से गुजरना पड़ता है। ये कलर कहार का रेस्ट एरिया है, यहाँ से आप अपने खाने पीने का सामान ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। और ये लिखा हुआ है राइट साइड पे दाखला ममनू है, और वो सामने कलर कहार और चूहा सैदन शाह जाने के लिए ये वाला रास्ता आप लेफ़्ट साइड पे इख्तियार करेंगे। बड़ा खूबसूरत दोनों तरफ दरख्तों से ढका हुआ बड़ा प्यारा एक रास्ता है, अफसानवी सा लगता है कि जिस पर ऊपर तो सूरज हो लेकिन दोनों तरफ से दरख्तों ने साया कर रखा हो। लाहौर से जब आप आते हैं तो कलर कहार टूल प्लाज़ा आता है, और इस टूल प्लाज़ा से जब हम गुजरेंगे तो हम कलर कहार यहाँ से 3 किलोमीटर है, और खपकी झील 62 किलोमीटर है, कंठी बाग 68 किलोमीटर है, और उछाली झील 89 किलोमीटर है। लेकिन हम यहाँ से इन झीलों पर नहीं जा रहे हैं। तख्ते बाबरी 2.5 किलोमीटर है यहाँ से, शहनशाह बाबर का तख्त है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सूफी का दरबार है, दरबार सखी हू बाहू, वो 3.5 किलोमीटर है तकरीबन, और ये रास्ता जाता है कलर कहार को। मेरे भाई जानिब जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये बागात हैं लोकाट के। जी हाँ, पाकिस्तान में सबसे आला दर्जे का लोकाट यहाँ पैदा होता है, और यहाँ पर इन दरख्तों की बहुतात है। मई से पहले अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपको बहुत आला दर्जे के लोकाट खाने को मिलेंगे। यहाँ पर केलों और अमरूद और अंजीर के दरख्त भी बहुतात में पाए जाते हैं। दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, बड़े ना होते काश सारे बच्चे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते। दोस्तों हम बड़े होके सियाने हो जाते हैं, सियाणी बातें करने लगते हैं, नफ़रत करना सीख जाते हैं, मैं के चक्कर में लोगों से दूर हो जाते हैं। लेकिन बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे पल में रूठते हैं, पल में मान जाते हैं,
पल में माफ़ी दे देते हैं और मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। काश इस उम्र में एमए करने के बाद या किसी अफसर लगने के बाद या बहुत बड़ा बिजनेस बना लेने के बाद मेरे अंदर का वो बच्चा फिर से जाग जाए। कलर कार में जब आप आते हैं अपनी फैमिली को बच्चों को लेके, तो यहाँ से आप उनके लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। देखें ये छोटी सी मुन्नी सी कार, बड़ी प्यारी प्लास्टिक की, और ये छोटी सी पिस्तौल, ए पानी सुटने वाली होंगी है, पिस करके पानी सुटी दे, ए निका जहा चिड़ी छिक्का भी है, ए गड्डियाँ भी ने जड़ियाँ सी बच्चे दबा सकने। ये देखें ये, ओ माय गॉड गिर गई, ये देखें ये बॉल्स भी हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े अच्छे खिलौने हैं यहाँ, और बच्चों के लिए शॉपिंग की जा सकती है। जो हमारी बेटियाँ होती हैं लाडलियाँ, उनके लिए हम ये यहाँ से गुड़िया भी ख़रीद सकते हैं। ये देखें कितनी प्यारी गुड़िया है, और वो पीछे आप देखें जी पायरेट बोट चल रही है और लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो कलर कहार एक बड़ी पुरसकून और बड़ी खूबसूरत जगह है, जहाँ पर पिकनिक के लिए एक सारा दिन बच्चों के साथ दुनिया की गहमा गहमी से एक दूर गुजारा जा सकता है। मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ कलर कहार का बाज़ार है, और यहाँ पे बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं, भल्ले हैं और गोलगप्पे हैं, फ्रूट चाट है, चना चाट है, और कतलम्बा मुझे यहाँ नज़र नहीं आया, लेकिन पानी और खाने की दुकानें हैं, और यहाँ अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। बर्गर भी यहाँ बिक रहे हैं, और तवे वाला जड़ा बर्गर होता है। तो आज रश इसलिए नहीं है कि मैं सीज़न ऑफ है, इस वक्त ऑफ सीज़न में आया हूँ, लेकिन जब आप सीज़न में यहाँ आएंगे तो आप यहाँ हैरान हो जाएंगे, इतना रश होता है। देखा आपने यहाँ पकौड़े भी तले जा रहे हैं, तो पकौड़े खाने में मेरा दिल कर पे है, तो तुसी इंजॉय करो, मैं ज़रा पकौड़े खा लेना। और इसको बहुत सजाया गया है, इन्हें इतने क्लॉक भी लाता जे ताकि तुहानू टाइम का एहसास रहे, क्योंकि टाइम इज़ मनी। और बड़ा खूबसूरत ऊँट है, और क्या सवारी के क्या लेंगे सर? बच्चों के 50 हैं, बड़ों के 100 हैं। बच्चों के 50 हैं, बड़ों के 100 हैं, लेकिन चूंकि मैं भी एक छोटा सा बच्चा हूं तो मैं इसको 50 ही दूंगा। तो आए मैं इसके ऊपर बैठता हूं और थोड़ी सी सैर करते हैं ऊँट की, और बचपन को याद करते हैं। बादशाहों की मसनत, वाह जी वाह, खिलार दे भाई। ओ तेरी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। चल बादल, वाह जी वाह, वाह जी वाह, इसको पकड़ के रखना पड़ता, नहीं तो आप गिर सकते हैं। बादशाहों की बड़ी प्रैक्टिस थी ऊंट के ऊपर, हाथियों के ऊपर सफर किया करते थे। इस ऊंट का नाम है बादल, और यहां पर इतनी ऊंचाई पर बैठ के बड़ा अजीब सा एहसास पैदा होता है। तो वो जो बादशाह ऊंटों पर या हाथियों पर सफर करते थे, और उनमें जो तकब्बुर पैदा होता था वो शायद इस ऊंचाई की वजह से होता था। ओ माय गॉड, ओ तेरी खैर होगी, ओ माय गॉड, इट इज हार्ड नॉट टू क्रैक। थैंक यू बादल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जीते रहो। यार बादल को मेरी उर्दू समझ आई होगी, और अंग्रेजी नहीं आएगी, पंजाबी च कहना है। ले भाई बादल, जीवंदा रहो, हंसदा रहो, तो खुश रहो। दोस्तों ये घोड़ा थोड़ा अथरा है, तो इसलिए उसका मालिक उसको साथ साथ लेके चल रहा है। इसका नाम राजू है, राजू। दोस्तों मेरे बचपन में संतनगर की नेहरू पार्क में मेला लगा करता था, और हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम घोड़े की सवारी करते या ऊँट की या फिर बंदूक से ये गुब्बारे फोड़ते। उस वक्त ख्वाहिशें थी, आज पैसे हैं।
लेकिन वो वाला वक्त बहुत अच्छा था जब हम तगोदो किया करते थे, स्ट्रगल किया करते थे, पैसे जोड़ा करते थे, अब्बा को तंग करके 2 या 1.5 रुपया लेते थे और फिर ईद मनाते थे। तो उसले तो मैं कर नहीं सकिया, अज मैं सारे शौक पूरे कर रहा, लो मैं हूँ भन्न लगा जे भुगाने वेखो, हाँ तको जरा आ जा काका। ये डाल दिए शरला और अब मैं फोड़ूंगा पकाना। बैठ गया जे लो जी, स्वाद आ गया जे, बचपन की सारिया कमियां अज पूरिया हो गई। आज ते तको येलो गया जे, आहा कह के ए केड़ा ऑरेंज गया जे। ए वेखो जी ए केड़ा थले, ए पिंक गया जे। दोस्तों आपने देखा मेरा निशाना कितना अच्छा है, और मैंने अपने बचपन के वो शौक जो कहीं दिल में छुपे हुए थे पूरे किए हैं। आप भी अपने बच्चों को लेकर आएँ और कलर कहार की सैर करें, इंजॉय करें, आपके बच्चे खुश होंगे तो अल्लाह भी खुश होगा। कलर कहार में ये देखें आप, ये खजूर के पत्तों से बनाई गई मसनूआत हैं, और ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज में डेकोरेशन पीस बनाए जा रहे हैं। और ये मेरे पीछे देखें दीवार पर भी हैंडमेड, ये इनके ये देखें कितनी खूबसूरत टोकरी है। ये खुशाब से ये पत्ते लाए जाते हैं खजूर के, और फिर इनको यहाँ पर बनाया जाता है। ए जेड़ा इक्के का है ए पीस, ए किन्ने दा है? 100 रुपए का सर। 100 रुपए का एक पीस ये है छोटा, और ये जो बड़े वाले हैं? बड़े 200-250 रुपए। ये जो बड़ा हम देख रहे हैं ये 250 रुपए का डेकोरेशन पीस है, और इसको हम अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, सजा सकते हैं। कलर कार में इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। बड़ी जदीद बोट है, इसके साथ चाबी भी लगी हुई है, और बड़ी खूबसूरत है, और ये टूरिज्म वालों की है। और मैं भी पाकिस्तान में टूरिज्म की प्रमोशन के लिए काम कर रहा हूँ, और उसी वजह से मैं लाहौर से इतना सफ़र करके यहाँ आया। इतनी खूबसूरत झील, बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है, और पीछे मेरे कलर कहार की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं, वो देखें बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ, पीछे झूले भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन चूंकि ऑफ सीज़न है इसलिए यहाँ पर रश नहीं है, और मेरा ख्याल है वीडियो बनाने के लिए इससे बेहतर तो वक्त होता ही नहीं है। मेरे दाए जाने पैडलों से चलने वाली किश्तियाँ, इसमें एक कपल बैठ के इस किश्ती को चला सकता है, और ये लेफ़्ट साइड पे जो है स्टीमर्स हैं, लेकिन इसके लिए आप इसको चला नहीं सकते, इसको चलाने के लिए एक शख्स अलहदा से होता है। और ये कलर कहार की झील है, कहीं से 4 फुट कहीं से 8 फुट मैक्सिमम शायद 10 फुट गहरी होगी, और ये पहाड़ों से उतरने वाला पानी और जो बारिशों से आता है ये वो पानी है। इसका जो कलर है वो ग्रीन है, और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मेरे पीछे पहाड़ है, और चले आए चलते हैं तख्ते बाबरी पर। ओह माय गॉड, उसको कलर कहार में तख्ते बाबरी है। जी हाँ, शहनशाह बाबर का तख्त भी है, बाग सफ़ा भी है, और अजायब घर भी है। आए इस तरफ चलते हैं, और ये एक चढ़ाई सी है जिसके ऊपर हम चढ़ेंगे, और फिर हम आपको दिखाते हैं तख्ते बाबरी। बड़ी खूबसूरत म्यूज़ियम की ये इमारत है, तख्ते बाबरी वो ऊपर है। थक गया मैं, हाँ थक गया। अरे दोस्तों, ये है तख्ते बाबरी, शहनशाह बाबर इस जगह पर बैठा करता था। दोस्तों भेरा से वापसी पर शहनशाह बाबर की फौज यहाँ पर जब ठहरी तो उसमें कुछ बददिली सी पैदा हो गई थी, और वो शायद लड़ना नहीं चाह रहे थे। तो शहनशाह बाबर ने के लिए ये तख्त बनवाया गया, और
शहनशाह बाबा ने इस तख्त पर बैठकर अपनी फ़ौज से खिताब किया था, उनके हौसले बढ़ाए थे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये उसी वक्त का तख्त है, ये उसी वक्त इस चट्टान को तराशा गया। और इस तरफ अगर हम आएँ, जो कि अब नीचे घर बन चुके हैं और म्यूज़ियम है नीचे, तो इस तरफ नीचे की तरफ उसकी सारी फ़ौज वहाँ तक खड़ी थी। और ये जगह ऐसी जगह है, यहाँ पर जब आप ज़ोर से बोलेंगे तो पहाड़ी की गोद है ये, तो ये सारी आवाज़ गूंजती है यहाँ। तो ये एक तारीख़ी तख्त बाबरी, शहनशाह बाबर का तख्त है जो मैंने आपको दिखाया। और वो मेरे पीछे अगर आप देखें तो झील नज़र आ रही है, कलर कहार की झील, जिसको मैंने अभी आपको करीब से भी दिखाया था। और कलर कहार में यहाँ एक बड़ा खूबसूरत चश्मा है, मैं वहाँ आपको लेके जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ आपको मोर दिखा सकूँ, क्योंकि कलर कहार को कहते हैं सिटी ऑफ पीकॉक्स। दोस्तों, चश्मे तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मासवा इसके, इसको पकड़ें और इन पाइप्स के ऊपर चलते हुए बूढ़े वेले वैसे यह जो काम करने नहीं चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं, इतने फड़न वाली कोई शायद नहीं, तो स्लिप भी हो सकते हो, तो ध्यान नाल इतने आना पड़ेगा। गोटे गोटे पानी है, ओ कपड़े तो हो गए गिले, हम असी वड़ गए पानी चू, चुक लो तानू, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है दोस्तों। और ये देखिए कितना साफ पानी है, ये देखिए बहुत साफ पानी है। और ये बड़ा खूबसूरत चश्मा है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये पानी आ रहा है और यहाँ से आके इस चश्मे में आ जाता है, बहुत ठंडा पानी है। और इलाके के पाइप भी यहीं से गुजर रहे हैं देखे पानी के। और आप जब भी कलर कहार आए तो यहाँ आप आइएगा, बहुत इंजॉय करेंगे और यहाँ पर आप नहा सकते हैं और बड़ी सेफ जगह है। और मैं जाते हुए कलर कहार से कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पर मोर होते हैं, इसलिए खरे किथे चले गए ने, लेकिन इसी वजह से इसको सिटी ऑफ पीकॉक्स कहा जाता है। आए तलाश करते हैं मोर, और ये चश्मा जब भी आए तो यहाँ ज़रूर आइएगा। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये लुकाट और केलों के बाग है, इसको बाग सफ़ा कहते हैं। और ये शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने तामीर करवाया था, बड़ा खूबसूरत बाग है। हम यहाँ पर मोर तलाश कर रहे हैं आपके लिए, दुआ करें कि मोर नज़र आ जाएं।